इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धारा 370 को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर हंगामा, बीजेपी ने बयान को बताया साजिश की टूलकिट का हिस्सा। दिग्विजय को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल, चीन और पाकिस्तान से साठगांठ का लगाया आरोप, कहा कश्मीर की शांति से कांग्रेस बेचैन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा दिग्विजय और मणिशंकर के सरगना हैं राहुल गांधी, कांग्रेस को अपना नाम बदलकर एंटी नेशनल क्लब हाउस कर लेना चाहिए। संबित पात्रा का दावा पूरी बातचीत की स्क्रिप्ट पहले से थी तैयार, पाकिस्तानी पत्रकार को कांग्रेस ने ही सवाल पूछने के लिए कहा होगा। बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को बताया चीन और पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा। रविंद्र रैना ने कहा इमरान के नक्शे कदम पर चल रही है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी दिग्विजय पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान, दिग्विजय ने पाकिस्तान को दिया राहुल का संदेश। दिग्विजय के क्लब हाउस चैट पर मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मांगा सोनिया गांधी से जवाब, कहा धारा 370 पर अपना स्टैंड क्लियर करे कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत में कहा कांग्रेस की सरकार आने पर अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर करेंगे विचार। बीजेपी के हमलों के बाद दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, ट्वीट करके कहा अंग्रेजी शब्द का मतलब नहीं समझते बीजेपी के नेता। दिग्विजय के विवादित बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर भारत के साथ आर्टिकल 370 की शर्त के साथ जुड़ा था। कश्मीर के सोपोर में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर बड़ा आतंकी हमला, दो जवान शहीद, दो नागरिकों की मौत। आतंकियों ने ग्रेनेड से किया सुरक्षा बलों पर कायराना हमला, मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे दहशतगर्द। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। इंडिया टीवी से बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, सोपोर आतंकी हमले के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ। लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में अग्निकांड, कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, कई शोरूम जलकर खाक। आग की चपेट में आए शोरूम के आसपास की कई दुकानें, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग बुझाने के लिए लगानी पड़ी दमकल की 30 गाड़ियां, शोरूम के ऊपर फंसे एक परिवार के 5 लोगों का किया रेस्क्यू। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन, अकाली दल ने किया बीएसपी को 20 सीटें देने का ऐलान। गठबंधन के साथ अकाली दल का वादा, चुनाव जीते तो पंजाब का डिप्टी सीएम शेड्यूल कास्ट होगा। गठबंधन के बाद बोले बसपा सांसद सतीश मिश्रा, कहा हम कांग्रेस के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और घोटाले को खत्म करने के लिए काम करेंगे, वर्तमान सरकार दलित और किसान विरोधी। बारिश की वजह से रुकी मुंबई की रफ्तार, खाद सबवे पे घुटनों के ऊपर तक भरा पानी, पुलिस ने रास्ता बंद किया। बारिश की वजह से मुंबई के सायन और किंग सर्कल में जबरदस्त वाटर लॉगिंग, पानी निकालने में बीएमसी का प्रशासन पूरी तरह फेल। भारी बारिश से मुंबई के चेंबूर इलाके में 3 मकानों की दीवार गिरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। भारी बारिश से लगी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक, जगह जगह खुले मैनहोल से खुली बीएमसी के दावे की पोल। मुंबई के सांता क्रूज, माटुंगा, अंधेरी समेत कई इलाकों की सड़कें बनी नदी, लोगों का आना जाना हुआ दुश्वार। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, कोंकण और गोवा के तटीय इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने दी 13 और 14 जून को भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई के लिए अगले 72 घंटे बेहद भारी। भारी बारिश से मुंबई की ट्रैफिक पर बुरा असर, सूरत एक्सप्रेसवे पर लगा करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम। मुंबई में बारिश की वजह से गिरे 2 मकान, 12 लोगों की जा चुकी है जान। MHADA ने जारी की मुंबई की 21 सबसे खतरनाक जर्जर इमारतों को की लिस्ट, बरसात से कभी भी ढह सकती है बिल्डिंग, मुश्किल में 700 जाने। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत, कोरोना के खतरे के बीच टैंकर के पास लोगों की भीड़। ब्रिटेन के कार्निवाल में G7 की बैठक जारी, आज और कल वर्चुअली पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। G7 के 3 सत्रों में होगा पीएम मोदी का संबोधन, कोरोना, ग्लोबल वार्मिंग और फ्री ट्रेड पर होगी चर्चा। कोरोना को लेकर G7 के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेपर्दा होगा चीन, G7 से चीन को सख्त संदेश देने की तैयारी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 के देशों से की अपील, भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटाएं। G7 में इस साल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को गेस्ट कंट्री के रूप में किया गया है आमंत्रित। G7 देशों से दुनिया को 100 करोड़ टीके मिलने की उम्मीद, ब्रिटेन दुनिया को 10 करोड़ डोज देगा। पश्चिम बंगाल से जलपाईगुड़ी के बीजेपी के सांसद डॉक्टर जयंत कुमार रॉय पर हमला, अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से किया हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। राजस्थान में मची सियासी हलचल पर बोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासार, कहा सचिन पायलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पार्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम, देश में एक दिन में 84,332 संक्रमित, 4,002 की मौत। कोरोना की दूसरी लहर में 724 डॉक्टर्स ने गंवाई जान, बिहार में सबसे ज्यादा 111 डॉक्टर्स की हुई मौत, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी जानकारी। 18 जून को सेव द सेवियर नारे के साथ डॉक्टर्स पर हमले के खिलाफ करेगा स्वास्थ्य कर्मी प्रोटेस्ट, डॉक्टर्स काले बैज, काले मास्क और काली शर्ट पहनकर करेंगे इलाज। IMA ने सरकार से CRPC और IPC टैग के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा कानून लाने की मांग की, साथ ही सभी सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में सेफ्टी स्ट्रक्चर मैंडेटरी करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बना कोरोना माता का मंदिर, पूजा के साथ दिया कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने का संदेश।
बीजेपी नेता मेनका गांधी का दावा, 3 साल पहले ही बता दिया था देश में आएगा ब्लैक व्हाइट फंगस। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 200 बेड के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। श्रीनगर में डीआरडीओ ने बनाए कोविड अस्पताल में शुरू की मरीजों की भर्ती, हॉस्पिटल में बच्चों के लिए 25 बेड रिजर्व, डीआरडीओ ने सिर्फ 17 दिन में बनाया हॉस्पिटल। कोरोना पर दिल्ली के सीएम का बड़ा बयान, केजरीवाल ने कहा दिल्ली में अब तीसरी लहर का डर। केजरीवाल ने दिल्ली के 9 हॉस्पिटल्स में 22 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली किया उद्घाटन, 22 ऑक्सीजन प्लांट की संयुक्त क्षमता करीब 17 टन है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 238 नए मामले, 504 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,766 नए केस, बीते 24 घंटों में 406 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 721 नए पॉजिटिव केस, 24 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में मृतकों के 2,213 मामले पुराने जोड़े। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अप्रैल मई से ज्यादा दबाव होने की वजह से यह आंकड़ा अपडेट नहीं हो पाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ की बैठक, यूपी में कोरोना के हालात पर चर्चा। यूपी में कोरोना के 524 नए पॉजिटिव केस, 1,757 मरीज ठीक हुए। उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में 24 घंटे में कोई केस नहीं, 45 जिलों में 10 से भी कम पॉजिटिव मिले। उत्तराखंड में कोरोना के 287 नए केस सामने आए, 1600 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15,759 लोग संक्रमित, 378 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 8,239 नए मरीज मिले, 11,000 से ज्यादा ठीक हुए। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,883 लोग संक्रमित, 89 लोगों की मौत। राहुल गांधी का बयान, कहा लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी से निपटने के लिए मनरेगा योजना को मजबूत करना जरूरी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी करीब 1,12,50,000 वैक्सीन डोज उपलब्ध, हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान, अगले तीन दिनों में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी जाएंगी। देश में अब तक 24,96,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, पिछले 24 घंटे में लगी 34,33,763 वैक्सीन की डोज। अमेरिका ने नहीं दी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा इससे भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर असर नहीं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा का बयान, कोविन ऐप से लोगों का डाटा डार्क वेब पर लीक होने का हैकर्स का दावा निराधार। पूर्व सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने सिक्किम के अग्रिम इलाकों में किया सुरक्षा स्थिति का जायजा, मौसम की चुनौती के बीच जवानों की प्रतिबद्धता की तारीफ की। भगौड़े मेहुल चोकसी को नहीं मिली राहत, डोमिनिका हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बोले मेहुल के वकील विजय अग्रवाल, कहा हमें फिर से बेल अप्लाई करने की लिबर्टी दी गई है। सपा सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, यूपी जल निगम नियुक्ति में हुई कथित धांधली मामले में दायर की थी याचिका। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन उछाल, मुंबई में 102 रुपये तो दिल्ली में 96 के पार हुआ पेट्रोल। हैदराबाद में 28 कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, देश की सेना को आज मिले 341 युवा अफसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय द्वारा युद्ध और संचालन इतिहास के आर्काइव संकलन और प्रकाशन पर नीति को दी मंजूरी। पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र आज तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में विधायक के रूप में अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने भूमि अतिक्रमण के आरोपों के बाद उन्हें पिछले महीने राज्य मंत्रिमंडल से किया गया था बर्खास्त। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले देश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर रिपोर्ट बताती है पंजाब के सरकारी स्कूल सबसे शानदार हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल बेकार। मनीष सिसोदिया ने कहा रिपोर्ट से लगता है कि मोदी जी और पंजाब के सीएम की दोस्ती चल रही है। चुनाव से पहले रिपोर्ट अमरिंदर सिंह को प्रसाद स्वरूप दी गई। शरद पवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोले नवाब मलिक, कहा शरद पवार बीजेपी विरोधी मोर्चे के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। प्रशांत किशोर को एनसीपी का रणनीतिकार चुनने पर नहीं हुई चर्चा। प्रयागराज के एक गांव में बारात में हाथी ने किया अटैक, शादी में मची भगदड़, कई लोग जख्मी हुए। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में बड़ा फर्जीवाड़ा, मृतकों को लगाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की इशू। किसान आंदोलन को तेज करने की बनी रणनीति, 26 जून को देशभर के सभी राज्यों के राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगा संयुक्त मोर्चा। राजभवन के बाहर प्रदर्शन से बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा आंदोलन के 7 महीने पूरा होने पर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला रेलवे स्टेशन से पहली किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। नोएडा में चोरी की सबसे बड़ी वारदात का खुलासा, 8 करोड़ से ज्यादा का सोना और कैश बरामद, 6 चोर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 नक्सलियों ने किया सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर, 1 नक्सली पर था 2 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में डकैती और मर्डर करने वाले 3 लोग गिरफ्तार, पंजाबी बाग में एक ट्रक ड्राइवर के साथ लूट के बाद की थी हत्या। उत्तराखंड में गंगोत्री मंदिर के पुजारियों ने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की मांग की, हाथ पर काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के बक्सर में गंगा का पानी हरा होने से लोगों में सता रहा वायरस का डर, प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने सैंपल इकट्ठा किए। उत्तराखंड के नैनीताल में लैंडस्लाइड में पहाड़ी से गिरा पत्थर, बाल बाल बचा बाइक सवार, नेशनल हाईवे की घटना। धौलपुर जिले में सैंड माफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में रिहायशी इलाके में आया तेंदुआ, एक घर के बाहर सो रहे पालतू कुत्ते को बनाया शिकार। जापान में कोरोना के कारण लग सकती है 4th इमरजेंसी, ओसाका प्रांत कोरोना की 4th लहर का कर रहा है सामना। पुलित्जर पुरस्कार का ऐलान, 21 कैटेगरीज में पत्रकारिता साहित्य और कला में उपलब्धियों के लिए सम्मान। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या रिकॉर्ड करने वाली डामेला फ्रेजियर को मिला अवार्ड। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 44वें जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, राज्यों के वित्त मंत्री हुए शामिल, कोरोना उपकरणों पर टैक्स में राहत पर मंथन हुआ।
चीन में हुई दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ट्रेजेडी, गलाने वाली ठंड में हुई 100 किलोमीटर की मैराथन 21 की मौत। रोला गैरी के बादशाह राफेल नडाल का फ्रेंच ओपन में सफर खत्म, सेमीफाइनल में जोकोविच ने दी मात। इटली ने जीत के साथ किया टूर्नामेंट का आगाज, पहले मैच में तुर्की को 3-0 से हराया। इंस ने और इमोबिल ने दागे शानदार गोल। सलमान खान के फैंस के लिए खुशखबरी, अगले महीने दो बड़े बजट की फिल्मों का ऐलान कर सकते हैं दबंग खान। 21 जुलाई से फ्लोर पर आएगी अजय देवगन की अपकमिंग वेब सीरीज रुद्र एज ऑफ डार्कनेस, मुंबई की अलग अलग लोकेशंस पर होगी शूटिंग। सोनू सूद से मिलने हैदराबाद से मुंबई पहुंचा फैन, नंगे पांव पैदल ही तय किया करीब 709 किलोमीटर का सफर। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने सेशन कोर्ट में एंटी सिक्योरिटी बिल एप्लीकेशन दायर करवाई। और तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर हुआ आउट, लव ट्राइंगल पर बेस है फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।